यादव के देहांत से दुखता प्रगटावा करदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। तो उन्होंने लिखा है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी एक कमाल की शख्सियत सन, वो एक निम्र नेता वजों व्यापक तौर पर प्रशंसा योग सन, जो लोगों दी समस्यावां प्रति संवेदनशील सन, उन्होंने लगन के नाल लोगों की सेवा की। लोक नायक JP और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को प्रसिद्ध बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिता है। सो ट्वीट के जरिए उन्होंने गहरे दुख का प्रगटावा किया। PM मोदी ने साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वो इस देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से, उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की